पाकिस्तान सिर्फ एलओसी के पार बैठकर ही नहीं बल्कि यहां दिल्ली में बैठकर भी भारत की नाक में दम किए हुए है। यह ऐसा देश है जो कभी नहीं सुधर सकता। पता चला है कि दिल्ली स्थित पाकिस्तानी दूतावास में सिर्फ जासूसी प्रकरण नहीं होता बल्कि यहां से पाकिस्तान में बने आईएसआई के कॉल सेंटर भी संचालित होते हैं। जी हां, आईएसआई के कॉल सेंटर, ये वही सेंटर है जहां से भारतीय नागरिकों के पास कई तरह की जानकारियां लेने के लिए फोन किए जाते हैं। उच्चायोग में बैठे जासूस इस सेंटर को सुरक्षा बलों के ग्राउंड स्टाफ और दूसरे कर्मचारियों की भी जानकारी देते हैं, जिसके लिए बाकायदा रेट भी तय किए जाते हैं। 2 से 5 हजार रुपए में ये जासूस किसी भी फोर्स के मुख्य गेट पर खड़े होने वाले गार्ड और ऑपरेशन में लगी गाड़ियों के ड्राइवरों की भी जानकारी एकत्रित कर देते हैं। खासतौर पर महिला गार्डों की ज्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश की जाती है। अब ऐसे कई जासूसों के चेहरे पर लगा ये नकाब बस उतरने ही वाला है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, आईबी और रॉ जैसी एजेंसियां इस ऑपरेशन पर फिलहाल काम कर रही हैं। माना जा रहा है कि जुलाई तक ऐसे जासूसों का या यूं कहें आईएसआई एजेंटों का पर्दाफाश कर दिया जाएगा। एनआईए का कहना है कि उच्चायोग के यही कथित जासूस जम्मू कश्मीर में आतंकियों को धन मुहैया कराते हैं। इसके लिए एक लंबी चेन बनी हुई है। पाकिस्तान सहित खाड़ी के देशों से जो धन आता है उसे उच्चायोग के जरिए ही घाटी में पहुंचाया जाता है। जांच एजेंसी ने 3 साल पहले टेरर फंडिंग केस में यह बात स्पष्ट तौर पर बताई थी कि पाकिस्तानी उच्चायोग से कश्मीर में बैठे आतंकियों के मददगार यानी अलगाववादी नेताओं तक धन पहुँचाया जाता है। वहाँ से राशि आतंकियों को भेजी जाती है। जम्मू कश्मीर पुलिस का डीसीपी देवेंद्र सिंह, जो आतंकियों के साथ पकड़ा गया था, अब उसके भी तार पाकिस्तानी उच्चायोग से जोड़कर देखे जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक गहनता से जांच करने पर कई दूसरे केस भी सामने आए। हवाला ट्रांजैक्शन का मामला भी है। उच्चायोग में बैठे कर्मचारी हवाला कारोबार में भी लगे हैं। इसके लिए कई फर्जी कंपनी और एनजीओ की मदद लेने की भी बात सामने आई है। विदेश से पैसे ट्रांसफर करने वाली प्राइवेट एजेंसियां भी उच्चायोग के इस नापाक धंधे में लिप्त बताई जा रही है। सूत्रों का तो यहां तक कहना है कि उच्चायोग में आईएसआई के कर्मियों का एक बड़ा दल काम कर रहा है। यही वजह है कि जांच एजेंसियों की प्रारंभिक रिपोर्ट आने के बाद सरकार ने पाकिस्तानी उच्चायोग से 50% स्टाफ कम करने का आदेश दे दिया है। भारत के खिलाफ पाक की ये नापाक चाल अब ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है।